हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि घर पर पीनट बटर कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको लेना है मूंगफली और लेना है शहद और लेना है बटर। दोस्तों सबसे पहले आपको जो पीनट होती हैं वो मिक्सी मशीन में डालें। सारी पीनट मिक्सी में डाल दें, मिक्सी का ढक्कन लगा दें। ढक्कन लगाने के बाद आपको मिक्सी चला देनी है 15 से 20 सेकंड। अब दोस्तों इसको खोलकर देखते हैं। देखिए ये इस टाइप का बन चुका है। उसके बाद दोस्तों इस बटर को ताना है। दोस्तों बटर ताने के बाद जब इस तरह हो जाए तो आपको ये बटर मिक्सी में डालना है। बटर को दोस्तों मिक्सी के अंदर डाल दें। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें डालना है शहद। ये एक शहद की शीशी है, आप कोई भी शहद ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का हो। ये शहद है, इस सारे शहद को हम इस मिक्सी मशीन में डालेंगे। इसमें बटर और शहद डालने के बाद इसका कैप लगाकर आपको ये 20 से 30 सेकंड फिर चलाना है। तो अब देखते हैं इसका कैप उठाकर कि पीनट बटर कैसे बना है। दोस्तों अब हमारा पीनट बटर बनकर तैयार है, देख सकते हैं आप पीनट बटर को। ये है पीनट बटर, बहुत अच्छा और स्वादिष्ट पीनट बटर बना है। अगर आप भी घर पर पीनट बटर बनाना चाहते हैं तो इस तरह ही पीनट बटर बना सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं पीनट बटर बनके तैयार है। अब इस पीनट बटर को हम मिक्सी से निकाल कर डिब्बे में कर लेते हैं। जितना भी पीनट है डिब्बे में निकाल लेना है अपने में, जो भी है आपका डिब्बा। अब हमने ये मिक्सी से निकाल कर डिब्बे में कर लिया है। ये हमारा पीनट बटर बनकर तैयार है। जब भी आप पीनट बटर को खाएं तो डिब्बे से निकाल कर आप ब्रेड पर इस तरह लगाकर, अच्छी तरह ब्रेड से लगाकर, दो ब्रेड लेने हैं आपको, दो ब्रेडों पर इस तरह लगाना है आपको। ये इस तरह लगाकर और इस तरह इसको सेट कर आप खा सकते हैं।